हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यू अपडेट। मैं आज आपको असूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के बारे में बताने वाला हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टेक्निकल न्यू अपडेट और बेल आइकॉन ऑन द जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। हैंडफोन निर्माता कंपनी असूस ने कन्फर्म किया है कि असूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 11 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। शेयरमैनी की रिपोर्ट से पता चला कि आधिकारिक लॉन्च से पहले एक बार फिर असूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के साथ असूस जेनफोन मैक्स M2 की तस्वीरें और लॉकपैड लीक हो गई है। बता दें कि रिपोर्ट में दिखाई रही तस्वीरों और सबसे पहले वेबसाइट द्वारा पब्लिक की गई था। इससे पहले जेनफोन मैक्स प्रो M2 की जेनफोन मैक्स प्रो 2 के बैठक में पैनल पर ग्लास कवर्ड एज और घुमावदार कॉर्नर किनारे दिखाई दे रहे थे। फोटोग्राफी के लिए बैक पैनल पर फ्लैश के साथ दो रियर कैमरे, सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर और ठीक नीचे असूस का लोगो नजर आएगा। फोन के फ्रंट कैमरे पर नीचे की तरफ बॉर्डर दिए गए, ऊपरी हिस्से पर नोच की तरह जगह मिली है। रिपोर्ट ने कहा कि असूस जेनफोन मैक्स प्रो 6 इंच पिक्सल डिस्प्ले होगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो होगा और फोन में 4 GB रैम के साथ फोटो वीडियो और अन्य चीज़ों को सेव करने के लिए 64 GB और 128 GB के दो विकल्प मिलेंगे। उम्मीद है कि स्टोरेज बढ़ाने के लिए माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट में दिया जाएगा। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट के साथ फोन में झांक पाने के लिए 5000 mAh की बैटरी हो सकती है। फोटोग्राफी के लिए 12 MP कैमरा, प्राइमरी सेंसर 5 MP और सेकेंडरी सेंसर हो सकता है। हालांकि असूस जेनफोन मैक्स प्रो एम के संबंधी सभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई और जेनफोन मैक्स M2 का डिजाइन देखने में जेनफोन मैक्स एम की तरह लग रहा है, लेकिन मैक्स M2 का नॉच MX प्रो M2 के मुकाबले थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। इसमें 6 इंच फुल LED डिस्प्ले होगी। इस स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फोन में 4 GB रैम के साथ 32 GB और 64 GB स्टोरेज के दो विकल्प मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर कोई छोटी मोटी मोबाइल के बारे में अगर जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो मेरा फेसबुक पेज है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दिए, वहाँ जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जिससे मैं कोई छोटी जानकारी मिलेगी तो मैं उसमें दे दूँ, कि छोटी जानकारी का वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं उसकी जानकारी वहाँ पर दे दूँगा।